अमेरिका ने अलकायदा के नेता एमायन अल ज़ावेरी को अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले में मार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK247 न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। दरअसल अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया था। इसी में अल ज़ावेरी की मौत हुई है। जो बाइडेन ने कहा है कि ज़ावेरी के हाथ अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हत्या और हिंसा के खून से रंगे थे। अब लोगों को इंसाफ मिल गया है और ये आतंकवादी नेता अब जीवित नहीं है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al Qaeda, Ayman al Zawahiri. Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him all the whole time. He was his number two man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज़ावेरी एक सुरक्षित घर की बालकनी में था, तभी ड्रोन के जरिए दो मिसाइल दागी गई। अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि ज़ावेरी के परिवार वाले भी घर में थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि अल ज़ावेरी को अलकायदा का दिमाग कहा जाता था। आंखों के डॉक्टर अल ज़ावेरी ने मिस्र इस्लामिक जिहादी समूह को बनाने में मदद की थी। दरअसल साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था और तभी से अलकायदा की कमान अल ज़ावेरी के पास थी। इससे पहले अल ज़ावेरी को ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ माना जाता था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हमले के पीछे अल ज़ावेरी का ही दिमाग माना जाता है। वहीं अलकायदा में ओसामा बिन लादेन के बाद अल ज़ावेरी दूसरे नंबर के नेता थे। अल ज़ावेरी को अमेरिका ने 2001 में 22 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में रखा था और साथ ही अमेरिका ने अल ज़ावेरी पर $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा था। अल ज़ावेरी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। साथ ही हकानी तालिबान नेटवर्क द्वारा समर्थित अल ज़ावेरी और उसके परिवार ने पिछले साल तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा पाने के बाद काबुल के एक घर में रह रहा था। तकरीबन 20 सालों के युद्ध के बाद अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी हो गई थी। तो हालांकि अमेरिका के ये 20 साल के युद्ध का मकसद अलकायदा को अफगानिस्तान से दूर रखना था, लेकिन साल 2021 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर अपना कब्जा कर लिया और वहां की हुकूमत को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। लेकिन अमेरिका की सेना एक तरफ जहां खुद भी देश छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब अल ज़ावेरी के मारे जाने के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका की नज़र आज भी अफगानिस्तान पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर होगी मुलाकात JK247 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।